तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी रेस थी स्टार्ट हो चुकी है। एंड भाई जो कार से यार भाई देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा ओपी लेवल्स की कार है। एंड भाई यार मुझे इनसे आगे निकलना होगा। एंड भाई तुम ये मत समझना कि भाई इनकी ऐसी कार है तो बहुत स्लो चलती होगी, बिकॉज यार ये जो भाई आगे वाली कार से ना ये भाई मॉडिफाइड कार है। ओ भाई लिटरली, पर भाई अभी तो यार सबसे तेज हम ही चल रहे हैं। ओ भाई मतलब यार यार ये तो चीटिंग है भाई। वैसे चीटिंग तो कुछ नहीं है, रेस में सारी चीज़ें मंजूर हैं। एंड बस हमें ऐसी कार चलानी होगी। ओ भाई यार बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक यहाँ पे रास्ते हैं, ठीक है। ओ शिट 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 शिट, ओ गाइस हम तीसरे पोजीशन पे आ चुके। ओ भाई यार क्या हो रहा है भाई, यार बहुत बड़ी हरकत हो रही है गाइस। यार वो लोग आगे कैसे निकल रहे हैं भाई, कैसे आखिर ब्रो। भाई भाई यार फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले भाई बहुत ही बढ़िया चला रहे हैं कार। एंड यार हमें उन्हें हराना ही पड़ेगा अगर हमें पैसे जीतने हैं। ओके यार मतलब लिटरली गाइस बहुत ही तेज वो चला रहे हैं भाई। अभी हम पोजीशन 3 पे यहाँ पे चल रहे हैं, बट यार पोजीशन 3 से काम नहीं चलने वाला है, हमें यार पोजीशन फर्स्ट पे आना होगा। बिकॉज यार हमारे पास इतनी अच्छी कार है, एंड अगर इतनी अच्छी कार से भी हम पोजीशन फर्स्ट पे नहीं आ पाए तो मतलब धिक्कार है। अरे यार ओ भाई लिटरली भाई जो मेरा पीछे वाला बंदा था आगे आने ही वाला था। अरे यार शिट 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 शिट, बस नंबर 1 एक बार हार जाए भाई कसम से भाई मज़े ही आ जाएंगे लिटरली। और गाइज अभी हम बस पोजीशन 1 पे आने ही वाले हैं, ठीक है। बस ये जो वॉलेट वाला बंदा है पर्पल वाला है, हमें इसकी कार को बस हमें हराना है। ओ भाई लिटरली यार भाई बहुत ही खतरनाक ये वाला भी चला रहा है बंदा, ठीक है। ओ भाई यार हट जाओ भाई सामने से, जल्दी हट जाओ भाई। यार वैसे मस्टैंग की एक चीज़ अच्छी है यार, कार बहुत ही अच्छी चल रही है, बट यार यहाँ पे जो थोड़ी हैंडलिंग है वो थोड़ी यार उतनी मुझे खास नहीं लगी। बट कोई नहीं यार, स्पीड के मामले में बहुत ही अच्छी है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कम डिस्टेंस में ही यार पागल है क्या भोसड़ी के भाई, मतलब ड्रिफ्ट बहुत ही आसानी से लग जा रही है मस्टैंग से। एंड गाइस ये हमारा आखिरी लैप होने वाला है, एंड यार हमें कैसे भी करके भाई जीतना होगा इस वाले लैप को। एंड गाइस ओके, तो गाइस यहाँ पे हम फाइनली जीत चुके हैं रेस भाई, मतलब लिटरली यार हम अपनी रेस जीत चुके हैं। एंड तुम देख सकते हो भाई चौथे पोजीशन मूनबीन, फिफ्थ पोजीशन रेनर, फोर्थ पोजीशन, मतलब गाइस लिटरली यार भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल की यार रेस थी ये वाली। एंड तुम देख सकते हो भाई हमें 7000, यार कैसे आखिर, तो यार $10,000 की बात हुई थी पर मुझे $7,000 मिले हैं, यार ये तो चीटिंग है। अच्छा हाँ आधे यार जो पैसे थे वो भाई लमान ने ले लिया है, बिकॉज यार उसने हमें बताया था, ठीक है, तो आधे पैसे यार उसने ले लिए हैं, बट बाकी का हमें जो प्रॉफिट होता है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। मतलब भाई आज की जो रेस थी यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे, ठीक है। एंड तो माइकल की शक्ल भी देख सकते हो यार, नहीं भाई अब तो यार माइकल को चल के यार जल्दी से ट्रीट देते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं बार या क्लब में, ठीक है। एंड वहाँ पे मैं एक अच्छी सी ट्रीट दे देता हूँ माइकल को, बिकॉज यार हमने इतनी खतरनाक रेस जीती है एंड लाइफ की हमारी पहली रेस थी। ओ भाई लिटरली यार भाई मज़े आ गए। तो चलो यार चलते हैं अब जल्दी जल्दी लॉस सैंटोस में, एंड करते हैं एक छोटी सी पार्टी। एंड गाइस तुम देख सकते हो ड्राइविंग करते करते मैं आ चुका था लॉस सैंटोस में। एंड भाई फ्रैंकलिन एंड जो माइकल है भाई गए थे बार के अंदर। एंड गाइस इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है, एंड तुम देख सकते हो भाई मतलब क्या ही बोल रहा है फ्रैंकलिन। एंड तुम भाई देख सकते हो और इन्हें मतलब भाई चल भी नहीं पा रही, इतनी अभी बुरी हालत हो रही है। एंड भाई फ्रैंकलिन पता नहीं क्या बक बक करे जा रहा है भाई, तू जल्दी आ जा। एंड भाई कार चलाने की हालत में तो नहीं है हम अभी फ़िलहाल, बट यार हमें भाई माइकल को यार घर पे ड्रॉप करना होगा वरना मांडा बहुत गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। एंड चलो पहले अंदर चलते हैं। अरे भाई क्या ही कर रहा है यार भाई, मतलब तुम देख सकते हो माइकल की यार भाई अभी माइकल फ्रैंकलिन क्या ही हरकत कर रहे हैं भाई, फ्रैंकलिन की खुद की कार है एंड भाई बिहेव तो ऐसा कर रहा है कि भाई मतलब ये कार चुरा रहा है। तो गाइस चलो जल्दी से चलते हैं माइकल के घर पे एंड माइकल को वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज यार माइकल ने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है, एंड भाई मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता भाई, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ओके एंड भाई तुम जाओ यार बहुत ही तेज़ी हो रही है, सबको ओवरटेक करनी है, मतलब भाई रेड लाइट की तो किसी को परवाह ही नहीं है। मेरी बात अलग है यार, फ्रैंकलिन की तो बात ही अलग है, ठीक है।
एंड गाइस तुम देख सकते हो भाई ठोकते वोकते कार को भाई कैसे भाई बहुत मुश्किल से हम आ चुके हैं माइकल के घर पे। मतलब भाई बहुत ही खतरनाक भाई फ्रैंकलिन यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा था। तो भाई माइकल यार अब तू भाई जा घर पे थोड़ा रेस्ट कर, मैं तुझे मिलता हूँ कल, ठीक है। वापस से हम कहीं चलेंगे किसी नए रोमांच पे, ठीक है। तब तक तू घर पे रह, इंजॉय कर, ठीक है। तो गाइस तुम देख सकते हो भाई जो माइकल था वो अपने घर पे जा चुका है, हमने उसे ड्रॉप कर दिया था। एंड जस्ट उसका भी मैसेज आया है वेयर यू गो बर्डी। तो भाई यार तू भाई अभी रेस्ट कर रहा है, अभी अभी तो भाई मैंने तुझे पिला कर लाया हूँ, अभी तो भाई घर पे रह, रेस्ट कर, मैं तुझसे मिलूंगा कल, ठीक है। एंड यार मैं सोच रहा हूँ अभी हमारे पास टाइम भी है, एंड हमारा अभी तुम दिन भी देख सकते हो, अभी पूरा दिन अभी हमारे पास बचा है। एंड भाई हम भाई रेस में से $7,000 भी जीत कर आए हैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम चलते हैं एंड भाई कार में थोड़ी मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं एंड कस्टमाइज करवाते हैं कार यार, जिससे कि यार और भी ज़्यादा ओपी लेवल की हमारी मस्टैंग लगेगी। एंड यहाँ पर मुझे इसके थोड़े टायर्स चेंज करवाने हैं। एंड भाई जो ऊपर का कलर पेंट है भाई माइकल कह रहा था बहुत ही अजीब लग रहा है, तो यार मैं इसे भी चेंज करवा दूंगा। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे चीज़ें चेंज करवानी है लाइक सीट एंड अंदर का इंटीरियर भी, तुम देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। अंदर की तो मुझे कुछ काम करवानी नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा पेंट चेंज करवाऊंगा और इसके टायर्स एंड हो सके तो हेडलाइट भी चेंज करवा लेंगे, ठीक है। तो चलिए और जल्दी जल्दी चलते हैं एंड अपनी मस्टैंग को कस्टमाइज करवाते हैं। तो गाइस आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के कस्टम्स पे, जहाँ पे यार यहाँ पे कार मॉडिफाइड होती है। एंड तुम देख सकते हो यार मतलब कौन सी जगह है यहाँ पे, ठीक है। एंड अंदर की तरफ चलते हैं, जो भाई ये दुकानें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बना रखी है पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड भाई सिटी से बहुत ही दूर है एंड शायद यहीं कहीं होनी चाहिए, मैंने बात तो ऐसे करी थी एंड उनसे मैंने लोकेशन भी पूछी थी। एंड गाइस तुम देख सकते हो तो ये रही वो जगह लॉस सैंटोस कस्टम्स ऑटो बॉडी पेंट। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं एंड ये रहा शटर ओपन एंड अंदर की तरफ अपनी कार को पार करते हैं। ओके तो गाइस यार सबसे पहले भाई मैं तुम देख सकते हो हमारी कार अभी कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। पहले से इतनी ज़्यादा ओपी लेवल की लग रही है, बट गाइस मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारी कार होने वाली है बहुत ही ज़्यादा और भी ओपी लेवल की हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आर्मर एक बार चेक कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 40% का अपग्रेड लगवा लिया है आर्मर अपनी कार के अंदर, बिकॉज यार यहाँ पे अगर मेरी कार को यार कुछ भी डैमेज होता है तो पहले के मुकाबले बहुत ही कम होगा, बिकॉज यार पहले यार मुझे अगर हल्का सा भी स्क्रैच लगता था कार पे आ तो भाई डैमेज होती थी कार, तो भाई बहुत ही ज़्यादा उसके लिए पे करना पड़ता था फ्रैंकलिन को, जो कि अब प्रॉब्लम भाई दूर हो चुकी है। एंड इसके थोड़े बॉडी वर्क भी चेक कर लेते हैं एंड विंडो वेंट्स, ओके, इसमें कुछ ज़्यादा खास तो चीज़ें चेंज नहीं हुई। एंड पीछे चलते हैं एंड इसके ब्रेकर्स, हाँ ब्रेक्स मुझे चेक करने हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं स्ट्रीट ब्रेक्स लगवाने वाला हूँ, बिकॉज यार जो हमारे स्टॉक ब्रेक्स हैं उतने अच्छे नहीं हैं, उतने पावरफुल नहीं हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने स्ट्रीट ब्रेक्स लगवा लिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बम्पर्स भी देख लेते हैं एक बार, फ्रंट का बम्पर्स, ओके। मतलब गाइस यार मुझे ये थोड़ी अजीब सी लग रही है भाई, इससे मस्टैंग का जो लुक है यार पूरा बदल सा जा रहा है, ठीक है, उतनी खास तो नहीं लग रही, इसलिए मैं इसे नहीं लगवाने वाला। एक बार रियर का बम्पर देख लेते हैं पीछे का, ओके, इसमें ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। एंड गाइस ये जो हमारी मस्टैंग है इसमें अभी सिर्फ अपग्रेड लेवल 1 का ही अभी हम करवा सकते हैं, बिकॉज अभी जो बाकी के इंजन्स हैं वो अभी यार दुकान पे नहीं है, वो बाद में आ जाएंगे तो हमें ईमेल कर देंगे, हम तब लगवा लेंगे, बट तब तक हम लेवल 1 का अपग्रेड करवाने वाले हैं अपने इंजन के अंदर। यहाँ पे हमारी कार की जो स्पीड थी पहले से चेंज हो चुकी है, एक्सलरेशन भी, ब्रेकिंग भी एंड ट्रैकेशन भी, ठीक है। एंड गाइस सबसे मेन चीज़ जो भाई कार को पूरी अलग बना देती है वो है एग्जॉस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टाइटेनियम एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके, मतलब भाई पहले से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ आ रही है टाइटेनियम एग्जॉस्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक बार हुड भी चेक कर लेते हैं, ये हुड क्या है आखिर यार, तो ज़्यादा खास तो नहीं है। एंड मतलब मुझे मतलब नॉर्मल वाले हुड सही लग रहा है। एंड एक बार हॉर्न भी चेक कर लेते हैं, एंड गाइस एक बार हॉर्न भी हम चेक कर लेते हैं, अगर कोई अच्छा लगता है तो हम अपना हॉर्न भी चेंज करवा लेंगे, बिकॉज जो मस्टैंग में पहले से ही हॉर्न आता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाउड नहीं होता, ठीक है। एंड एक बार स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हॉर्न है, स्टॉक हॉर्न। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एंड जहाँ तक मुझे लगता है यार हमारा पुराना ही मतलब हॉर्न सही है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे एक बार कार की लाइट्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, एंड हेडलाइट्स करते हैं, और ये रही हमारे स्टॉक लाइट्स जो पहले से हैं, एंड ये रही एक्सिनॉन लाइट्स,
ओके तो गाइज ये थोड़ी सी बेटर लग रही है, तो मैं इसे लेने वाला हूँ। एंड हमने इसे ले लिया एंड नियॉन किट, एंड यहाँ पे वो रूफ भी चेक कर लेते हैं। एंड ये रही हमारे स्टॉक रूफ, ठीक है, जो कि पहले से है। एंड कार्बन रूफ लवर्स, कार्बन रूम, कार्बन रूफ एंड लवर्स। तो गाइस यार हमें इससे एक चीज़ का फ़ायदा होगा, अगर यार ज़्यादा अगर बाहर जो टेम्परेचर है लॉस सैंटोस का, तुम्हें पता ही है बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होता रहता है, तो यार इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कार के अंदर। बट यार हमारा जो स्टॉक रूफ है वो ज़्यादा ही बेटर लग रहा है यार। वैसे यार कार्बन रूफ एंड ये लोअर्स वाले ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट यार इससे जो कार का लुक है भाई बहुत ही ज़्यादा घटिया हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम स्टॉक रूफ ही मतलब रहने दे रहे हैं। एंड यहाँ पे स्केट्स भी एक बार देख लेते, पता ही नहीं कौन सी चीज़ अच्छा है, नीचे की चीज़ें हैं। एंड स्टॉक ही सही लग रहे हैं अभी तो फिलहाल तो। एंड एक बार टर्बो चेक करते हैं यार, मेन चीज़ टर्बो। ओके टर्बो ट्यूनिंग, जिससे हमारी कार की स्पीड और भी तेज हो जाएगी। एंड तुम भाई देख सकते हो जो एक्स, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने टर्बो ट्यूनिंग करवा ली अपने मस्टैंग के अंदर। एंड भाई तुम देख सकते हो एक्सेलरेशन कहाँ पे थी एंड अब कहाँ पे है। ओ भाई लिटरली यार भाई नेक्स्ट लेवल पे अपनी कार पहुँच चुकी है। एंड हम भी यार व्हील चेंज करवाने थे अपने कार के, एंड व्हील टाइप सबसे पहले चेक करते हैं। एंड एक बार ऑफ रोड चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। ओके स्पोर्ट्स के एक बार देख लेते हैं यार, मतलब ब्लू कलर भाई, कोई और कलर नहीं है क्या तुम्हारे पास? यार तो बहुत ही घटिया कलर लग रहा है ब्लू कलर, छी। एंड गाइस यहाँ पे अपनी विंडो भी चेंज करवा देते हैं। ओके तो गाइस ये थोड़ी सी बेटर लग रही है लाइट स्मोक। एंड इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम बाहर से देख सकते हैं, बट जो बाहर का बंदा है वो अंदर नहीं देख सकता, ठीक है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है फ्रैंकलिन के, ठीक है। ओके तो हमारी विंडो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो गाइस ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी कार थी पहले से थोड़ी चेंज हो चुकी है। मुझे पता है यार मैंने उतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवाई, बट यार उससे हमारा जो लुक था कार का वो चेंज हो जा रहा था। बट यहाँ पे भाई तुम्हें कार अगर तुम भाई ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, लाइक इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है भाई बहुत ही ज़्यादा लाउड है, एंड जो इसकी स्पीड है उससे भी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। एंड भाई पीछे से जो भाई नाइट्रो निकल के आ रहा है वो भाई लिटरली। एंड गाइस यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, ठीक है। एंड जो नंबर प्लेट है वो भी हमने चेंज करवा दी है, जो भाई कार है यार भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है, ठीक है। ओके भाई मज़े ही आ गए, ठीक है। एंड गाइस मैं सोच यार कुछ दिन हम इस वाली कार को चलाएंगे, एंड उसके बाद हम इस वाली मस्टैंग के अंदर कलर वलर सारी चीज़ चेंज करवा देंगे, ठीक है। मतलब जो कार होगी यार पूरी चेंज करवा देंगे, चाहे वो रूफ हो, कलर हो, ठीक है, एंड व्हील्स, विंडो, रूफ, सारी चीज़ मैं चेंज करवा दूंगा, कार को एकदम नेक्स्ट लेवल की बना देंगे। बट यार आज के दिन में इतना ही, बिकॉज यार हमारे जो पैसे थे जो हम रेस में जीते थे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है। लाइक 100 या 200 डॉलर्स बचे होंगे, ठीक है, जो कि यार काम आ ही जाएंगे फ्रैंकलिन के। तो गाइस चलो यार अब जल्दी जल्दी चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे, एंड अपनी मस्टैंग को पार्क कर देते हैं अपने गैराज में, ठीक है। चलो यार जल्दी से चलते हैं हम फ्रैंकलिन के घर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई फ्रैंकलिन आ चुका है ड्राइविंग करते करते अपने दूसरे वाले घर पे। एंड सबसे पहले अपने भाई मस्टैंग को हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं गैराज के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई किसी ने अंदर तो पार्क नहीं करी, बिकॉज जो भाई फ्रैंकलिन के नेबर है भाई इसके गैराज में ही पार्क कर देते हैं, बिकॉज यार यहाँ पे बहुत ही कम लोगों के पास गैराज है, ठीक है। एंड यहाँ पे पार्क कर देता हूँ मैं अपनी मस्टैंग को। ओके एंड बाहर निकलते हैं यार, अपनी कार को लॉक कर देता हूँ। ओके तो चलो बाहर की तरफ चलते हैं। तो बस मेरे भाई लोग आज ही उन्हें होता है, अगर तुम्हें ये वाला GD5 का गेम प्ले पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना एंड फ्रैंकलिन के लिए अच्छा सा कमेंट कर दो। एंड अगर आपको GD5 पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है कि भाई तुम्हें पसंद है GTA 5। तो अगर तुम ऐसी भी और भी गेम प्लेज देखना चाहते हो तो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो आज ही वीडियो होता है, मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।